हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से इलेवेंथ के लेक्चर 4 लेकर उपस्थित है, जिसमें हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हम सॉलिड के बारे में पढ़ लिए थे कि सॉलिड क्या है, मैटर क्या है, मैटर का इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर ऑफ मैटर क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या, आयन क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया है। तो सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, पहला क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यह 12th में भी सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में ही, कि टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया। पहला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया। टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है, यह सॉलिड के कितने भागों में बांटा गया। टाइप ऑफ सॉलिड लिखिए, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप। ठीक है, दो समूह में बांटा गया सॉलिड को। पहला बांटा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अगर हिंदी वाले आप हैं तो हिंदी वाले के लिए इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और इसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ सॉलिड सॉलिड के कितने प्रकार हैं। तो सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा कि सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इसे दो वर्गों में बांटा गया, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला लिखेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। पहला लिखिए कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, आंसर लिखिए। सबसे पहले द सॉलिड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो हमने क्या बताया कि द सॉलिड एक वैसा ठोस, विच मीन्स जो, कंसिस्ट मीन्स बना हुआ, ठीक है, कंसिस्ट मीन्स बना हुआ,
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, लार्ज मीन्स अत्यधिक, नंबर मीन्स संख्या, स्मॉल मीन्स छोटा और क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टल ही कहते हैं। यानी कि जो अत्यधिक छोटा क्रिस्टल के मिलने से बना हुआ है एंड और ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, और प्रत्येक का निश्चित क्या होता है, ज्यामितीय जो क्षेत्र होता है, आकार होता है, ज्योमेट्रिकल शेप मीन्स हो जाता है ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार, ठीक है। ज्यामितीय आकार क्या होता है, प्रत्येक का निश्चित होता है एंड ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, और प्रत्येक का क्या होता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो जाता है एंड और ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप and each of them having definite geometrical shape is called crystalline solid। यानी कि द सोलिड एक वैसा ठोस विच मीन्स जो कंसिस्ट मीन्स बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या में मिलने से बना हुआ है एंड और ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, और प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, इज कॉल्ड कहलाता है क्रिस्टलाइन सोलिड। फिर से समझिए, द सोलिड एक वैसा ठोस व्हिच जो कंसिस्ट मींस बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या के मिलने से बना हुआ है एंड और ईच ऑफ देम और प्रत्येक का हैविंग रखता है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, और प्रत्येक निश्चित ज्यामितीय आकृति रखता है, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सोलिड। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सोलिड। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सोलिड। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सोलिड। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन सोलिड है क्या, यानी कि एक वैसा ठोस जो स्मॉल क्रिस्टल, छोटा क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या में मिलने से बना हुआ है और प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, और इसमें से प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकार, यानी कि द सोलिड एक वैसा ठोस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ, जो बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, अत्यधिक संख्या में छोटे क्रिस्टल के मिलने से एंड और ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, और प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, आकृति होता है, इज कॉल्ड कहलाता है क्रिस्टलाइन सोलिड, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, ऑल द स्ट्रॉन्ग सोलिड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। All the strong solid, सभी जो मजबूत सोलिड है आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी कि क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। कॉमा देकर लिखिए, ऑल द मेटलिक एलिमेंट, सभी धात्विक तत्व, ऑल द मेटलिक एलिमेंट, ठीक है, मेटलिक, ऑल द मेटलिक एलिमेंट, सभी धात्विक तत्व, जैसे कि जिंक है, एयू है, एजी है, एयू में सोना, एयू को सोना कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, एजी को सिल्वर कहते हैं, सीओ को कोबाल्ट कहते हैं, ठीक है, ईटीसी, इसी ऑल द मेटलिक एलिमेंट, सभी धात्विक तत्व, जितने भी धातु होंगे वो सब के सब क्रिस्टलाइन सोलिड कहलाएंगे। उसके बाद नॉन मेटलिक एलिमेंट में आ जाएगा, नॉन मेटलिक एलिमेंट, नॉन मेटलिक एलिमेंट में आ जाएगा, एलिमेंट में आ जाएगा आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन ईटीसी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, उसके बाद NaCl सोडियम क्लोराइड भी है, NaCl सोडियम क्लोराइड भी है, ठीक है।
उसके बाद नेप्थिलीन भी है, NAPTHALLINE, नेप्थिलीन ETC, ठीक है ETC। यह सब क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नेप्थिलीन नेप्थिलीन। अगर आप 12th में जाइएगा तो फिर हम वहाँ पढ़ाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन क्या होगा वहाँ वो थोड़ा बेसिक से नहीं, वहाँ थोड़ा विस्तार से पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो एक लेवल से ही, लेकिन थोड़ा विस्तार तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ विस्तार तक अगर हम ले गए तो आपको क्या करेगा वह समझ से बाहर थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा समझना ही। तो क्या होगा, हम हर एक कठिन से कठिन चीज को समझा सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देकर क्या करते समझा सकते हैं, सेटिस्फाइड आपको कर सकते हैं। लेकिन होता है आपके लिए क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, एक बहुत सा लोड आ जाएगा, क्योंकि आप पूरे 11th को चीज का अगर 12th में पढ़ लीजिएगा, या 12th के चीज ऑनर्स के चीज को 11th में पढ़िएगा, तो वो क्या होगा थोड़ा सा हार्ड लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट से ही चले, लेकिन हम एक लेवल से जरूर रहते अधिक, जितना हमारी कैपेसिटी है, आपके आप लोगों की कैपेसिटी है, उनसे ज़्यादा हम जरूर पढ़ाते हैं। तो वही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टल ये ठोस, द सॉलिड एक वैसा ठोस विच जो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, जो इस छोटे छोटे क्रिस्टल के अत्यधिक संख्या के मिलने से बना हुआ है, एंड और ईच ऑफ दे और प्रत्येक का डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, एंड ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप और प्रत्येक का निश्चित आकृति होता है, इज कॉल्ड कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि ऑल द स्ट्रॉन्ग सॉलिड आर द क्रिस्टलाइन इन नेचर, जितने भी मजबूत सॉलिड है वो सब क्या आ जाएंगे, क्रिस्टलाइन इन नेचर आ जाएंगे। ऑल द मेटलिक एलिमेंट, सभी धात्विक तत्व, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, यह सब क्या आ जाएगा मेटलिक। नॉन मेटलिक एलिमेंट कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आ जाता है फास्फोरस, सल्फर, यह सब क्रिस्टलाइन, NaCl, सोडियम क्लोराइड और नेप्थिलीन भी आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत ही। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है, ठीक है। अब पढ़िए व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, अब क्या कर लिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर ली होइएगा। अब लिखिए व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, यहाँ कहिए सर नेप्थिलीन और सोडियम क्लोराइड कैसे है। तो देखिए नेप्थिलीन और सोडियम क्लोराइड NaCl का सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए NaCl का स्ट्रक्चर देख लीजिए, NaCl का देखिए NaCl है, सोडियम है और क्या है क्लोरीन है, ठीक है क्लोरीन है। तो सोडियम प्लस, ठीक, यहाँ पर Na डाल दिए, क्लोरीन डाल दिए, फिर Na डाल दिए, क्या आ जाएगा Na, फिर क्लोरीन डाल दिए, फिर Na डाल दिए, यानी कि इस प्रकार क्या होता है प्रत्येक क्या होता है एक दूसरे से क्या होते हैं सटे होते हैं, और इसमें क्या होता है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप और एक निश्चित क्या होता है आकृति होता है, इस कॉल कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले इतना तक तो स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब पढ़िए कि व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड है क्या, यही अमॉर्फस सॉलिड। अब लिखिए व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड यह हो जाता अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस ठोस, ठीक है। इसका हिंदी आ जाता है, हिंदी मीडियम के भी क्या है बैच है मेरे पास उपलब्ध है, वो सब आपको क्या कर दिए जाएंगे अपलोड कर दिए जाएंगे। लिखिए पहले अमॉर्फस, लिखिए अमॉर्फस इज ए, अमॉर्फस इज ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स नो फॉर्म। अमॉर्फस देखिए, अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है,
अमॉर्फस एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक एक भाषा है, ठीक है, उसी का यह क्या एक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है, शब्द है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं, ठीक है, रूप नहीं, जिसका अर्थ हो जाता है कि कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं। एमोर्फस ये ग्रीक वर्ड, अमोर्फस ये ग्रीक वर्ड, एमोर्फस एक ग्रीक का शब्द है, व्हिच मीन्स जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई रूप नहीं, ठीक है, यहाँ तक आप सबसे पहले समझ, यानी कि इसका कोई रूप नहीं होगा, ना तो कोई आकृति होगा और ना तो कोई आकार होगा, ठीक है, मीन्स MENS एमॉर्फस इज ए ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, यानी कोई अर्थ नहीं। अब इसका डिफिनेशन देखिए, द सॉलिड एक वैसा ठोस इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूमेंट, या फिर यहाँ पे ही लिख देते कंस्टिट्यूमेंट, कंस्टिट्यूमेंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूमेंट पार्टिकल आर इरेगुलरली अरेंज्ड विथ वीक वांडरवाल, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख देते एमॉर्फस सॉलिड, इज कॉल्ड एमॉर्फस, इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस, यानी कि देखिए द एमॉर्फस इज ए ग्रीक वर्ड, एमॉर्फस एक ग्रीक शब्द का क्या है, एक भाषा है, शब्द, यानी कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है एमॉर्फस, व्हिच मीन्स जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई भी रूप नहीं, जैसे कि इस मार्कर का रूप है ना, आकृति है ना, ये क्या सिलिंड्रिकल है, लेकिन एमॉर्फस का क्या होता है, कोई रूप नहीं, यह कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, स्फीयर होगा, सर्किल होगा, यह कोई भी रूप ही नहीं होता है, क्योंकि एमॉर्फस क्या है, ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई आकृति नहीं। तो इसका डिफिनीशन आता है द सॉलिड एक वैसा ठोस इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूमेंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूमेंट मीन्स अवयव, पार्टिकल मीन्स कण, यानी कि अवयवी कण आर अरेंज्ड, आर यानी कि व्यवस्थित होते इरेगुलरली वे, यानी कि अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से क्या होते हैं, तो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। देखिए द सॉलिड एक वैसा ठोस इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूमेंट पार्टिकल अवयवी कण आर इरेगुलरली अरेंज्ड, इरेगुलरली मीन्स अनियमित और अरेंज मीन्स व्यवस्थित होना, यानी कि अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, विथ मीन्स के साथ, वीक वांडरवाल फोर्स यानी कि कमजोर वांडरवाल बल के साथ अनियमित रूप से व्यवस्थित होते इनके अवयवी कण, तो क्या कहलाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, इनकी कोई भी रूप नहीं होती है, ना तो कोई क्या होती है, आकृति होती है, ठीक है, यहाँ तक तो पूरा समझ गई होइएगा। अब एग्जांपल में लिखिए, कहे सर जी कौन कौन सा चीज होगा, तो प्लास्टिक होगा, ठीक है, प्लास्टिक को आप जो भी रूप दे दीजिए, ठीक है, जो भी रूप दे दीजिए, वह क्या करेगा, प्लास्टिक आसानी से क्या करेगा, वह ग्रहण कर लेगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन हम लोग पढ़ते हैं पॉलीथीन, लेकिन यह जो पॉलीथीन का आपको मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा 12th के 15 चैप्टर 15 यूनिट पॉलीमर में, कि व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर है क्या, तो पॉली मीन्स मेनी और मर्स मीन्स यूनिट, यानी कि द सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ द मेनी यूनिट्स दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर, बहुत से इथीन के मिलने से यह पॉलीथीन का निर्माण हुआ, पॉली मीन्स मेनी और इथीन में तो जानते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथीन C2H
वह क्या कहलाता है, इथिन, यानी कि बहुत से इथिन जब मिलते हैं तो पॉलीथिन का निर्माण होते हैं, बहुत से मर्स मिलते हैं, यूनिट मिलते हैं तो पॉलीमर्स का निर्माण होते हैं, तो यह पॉलीथिन है, प्लास्टिक्स है। उसके बाद लिखिए क्वार्ज ग्लास है, क्वार्ज ग्लास है ईटीसी, ठीक है, ईटीसी ईटीसी है। इसके अलावा भी बहुत है, प्लास्टिक देखिए, अब इसको क्या कहें, गर्म कर दीजिए प्लास्टिक को, अगर यह सिलिंड्रिकल रूप में है तो इसको हम स्फीयर का भी रूप दे सकते हैं प्लास्टिक को। पॉलीथीन है, इसको भी क्या कर दीजिए, आप आग के सामने ले जाइए भट्टी के सामने, इसको भी क्या कर दीजिए, गला दीजिए, इसको भी क्या कर दीजिए, आग के सामने, फायर के कॉन्टैक्ट ऑफ द फायर, जब आग के सामने ले जाइए, यह भी धीरे धीरे अपना शेप, इस प्रकार का अगर पॉलीथीन है इस प्रकार का, तो यह क्या करता है, शेप चेंज कर लेगा, अपना शेप किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बना लेगा। क्या हुआ, यह एक प्रकार की तरफ सिकुड़ जाएगा, कंप्राइज हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा जब यह कॉन्टैक्ट ऑफ द फायर जब आग के सामने ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वार्ज ग्लास है, ई टी सी सिल्का है, यह सब क्या जगह मॉर्फस, फिर से समझिए, मॉर्फस इज ए ग्रीक वर्ड, अमॉर्फस है क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, व्हिच मींस जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई भी रूप नहीं, कोई रूप नहीं, ठीक है। द सॉलिड एक वैसा ठोस, इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेबिकन आर इरेगुलरली अरेंज, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, विथ वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर आकर्षण बलों के साथ, इज कॉल्ड कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड, तो उसी को अमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक, पॉलीथीन, क्वार्ज ग्लास, ईटीसी इत्यादि आ जाएगा। यहाँ तक क्या हो गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा कि अमॉर्फस सॉलिड है क्या और किसे कहते हैं। आगे का टॉपिक है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड के बाद कि लिक्विड क्या है, यह तो सॉलिड का हमने क्लियर कर दिया। अब कहिए सर इतने पढ़ाइएगा तो यह अमॉर्फस सॉलिड और हम पढ़ाते हैं, क्योंकि और हम पढ़ा सकते थे, हमारे पास क्या होता है कैपेसिटी है, जितना पढ़िएगा उतना पढ़ाइएगा, लेकिन हमारे सिलेबस एनसीईआरटी से बाहर, मैं क्या कर रहा हूँ ये अमॉर्फस के बारे में, आप एनसीईआरटी का क्या कर पेज उल्टा कर देख सकते हैं, केवल सॉलिड के बारे में एनसीईआरटी में चर्चा की गई है, लेकिन हम अमॉर्फस सॉलिड्स का चाहते तो प्रॉपर्टीज भी पढ़ाते, फिर क्रिस्टलाइन का चार गो भाग पढ़ाते, आयोनिक, मॉलिकुलर, मेटलिक, कोवैलेंट, फिर उसके बाद मॉलिकुलर के तीन भाग पढ़ाते, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर, फिर उसमें डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन, यानी कि जितना हम पढ़ाएंगे एक लेवल से हमको न चल रही है, क्या होती है प्रिपरेशन, जीरो से क्या होती है पिक पर होती है, उसी प्रकार अभी हम क्या इलेवेंथ में तो धीरे धीरे, ट्वेल्थ तब ऑनर्स, पीएचडी, एमएस, उस प्रकार धीरे धीरे, तो उसी प्रकार पहले अमॉर्फस के बारे में पढ़ा है, तो अमॉर्फस पूरा समझ में आ गया कि अमॉर्फस इज ए ग्रीक वर्ड या ग्रीक शब्द है, व्हिच मींस जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, कोई भी रूप नहीं, जिसका अर्थ क्या होता है कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं, कोई फॉर्म नहीं। द सॉलिड एक वैसा ठोस इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेबिकन आर इरेगुलरली अरेंज, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, विथ वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर आकर्षण बलों के साथ, इज कॉल्ड कहलाता है अमॉर्फस सॉलिड। यहां तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले ना, सबसे पहले अगला लिख लीजिए कि लिक्विड क्या है, ठीक है, अब लिख लीजिए कि लिक्विड क्या है, लिक्विड को हम लोग सब लोग जानते हैं कि द्रव, द्रव इसको कहते हैं, द्रव, ठीक है, लिखिए इसको, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन व्हिच या व्हिच इज, व्हिच मीन्स जो, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ के वह भौतिक अवस्था, व्हिच जो, व्हिच हैव नो डेफिनिट शेप, शेप जिसके पास आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, बट डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कहलाता है अमॉर्फस, इज कॉल्ड लिक्विड।
यानी कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था, विच हैव जो नहीं रखता, विच हैव जो रखता है नो डेफिनिट शेप, नहीं आकृति व निश्चित रखता है, बट लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम लेकिन आयतन निश्चित रखता है, इज कॉल्ड कहलाता है लिक्विड। ठीक है, यह क्या कहलाता है लिक्विड। इट ऑक्यूपाई यह क्या करता है ग्रहण करता है, इट ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ यह क्या होता है बर्तन के वॉल्यूम आयतन को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है, जिस प्रकार बर्तन है उसी प्रकार के क्या कर लेता है अपनी आकृति को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। इट टेक द शेप, सॉरी इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, यह बर्तन के आकृति को क्या करता है टेक कर लेता है, या इट ऑक्यूपाइड द शेप ऑफ कंटेनर, यह बर्तन के आकृति को क्या कर लेता है ऑक्यूपाई करता है ग्रहण करता है, व्हेन इट इज व्हेन इट इज व्हेन जब इट इज प्लेस्ड प्लेस जब इसे क्या किया जाता है रखा जाता है तो यह बर्तन की आकृति है शेप है उसको क्या करता है ग्रहण कर लेता है। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर समझाते हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड है क्या, यानी कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था, विच हैव नो डेफिनेट शेप, जिसके पास निश्चित आकृति नहीं होती है, बट लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन क्या होती है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आयतन क्या होता है उसका निश्चित होता है, इज कॉल्ड कहलाता है इज कॉल्ड लिक्विड कहला। इट ऑक्यूपाइड द शेप ऑफ कंटेनर, यह क्या होता है शेप ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाइड करता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड जब इसे क्या किया जाता है रखा जाता है। इट ऑक्यूपाइड द शेप ऑफ कंटेनर, यह क्या होता है कंटेनर के बर्तन के शेप को ऑक्यूपाई करता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड जब इसे क्या किया जाता है रखा जाता है, जब इसे क्या किया जाता है रखा जाता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एग्जांपल ऊपर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जिस प्रकार के बर्तन में रखेगा वैसा ही आकृति को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है, यानी कि इसका आकृति कोई निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार इस अगर यह है क्या है मार्कर है, यह क्या है सिलिंड्रिकल है, अगर इसमें रखिएगा तो सेम टू सेम इसी के प्रकार के आपको दिखने लगेगा, अगर आपके पास बॉटल्स है उसमें रखिएगा तो सेम टू सेम वही आकृति की, यानी कि कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन क्या होती है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इसका निश्चित होता है। स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए सबसे पहले कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, अब इसका एग्जांपल पढ़ाते हैं और पूरा समझ जाइएगा कि एग्जांपल किस प्रकार का हम पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या होता है मेरा जो नेचर है वो सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाना और पूरी 100% पढ़ाना, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना। अब देखिए एग्जांपल में मिल्क दूध है, वाटर पानी है, आयल तेल है, ठीक है ईटीसी यही तो है जितना मटेरियल। देखिए अब हम क्या ले लिए, एक यह सिलिंड्रिकल बॉटल्स ले लिए, क्या है सिलिंड्रिकल बॉटल्स, अब इसमें क्या कर दिए लिक्विड को रख दिए यहाँ पे। अब देखिए ये आपको सेम टू सेम एज लाइक एज द इसी तरह का दिखता होगा, यानी कि सिलिंड्रिकल ही दिखता होगा, पहला फॉर्म हो गया जब इसको रखे, यह पहला रूप है। देखिए अब सेकेंड स्टेप में देखिए सेकेंड स्टेप किस प्रकार का यह ग्रहण कर लेगा अपना शेप। देखिए अब इसको हम ऐसा ना दिए, अब इसको हम लाइक इस प्रकार दे दिए, ठीक है अब ये इसी प्रकार के आकृति को ग्रहण कर लेगा। ठीक है,
यानी कि कोई भी क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, जिस पर के इसका जो आकृति क्या होता है नीचे, यहाँ पर हम इसीलिए रखे हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के वह भौतिक अवस्था विच हैव, जो रखता है नो डेफिनेट शेप, निश्चित, कोई निश्चित आकृति नहीं रखता है, बट लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो, इज कॉल्ड का लिक्विड, वही क्या कहलाता है, लिक्विड। इट ऑक्यूपाइड द शेप ऑफ कंटेनर, या बर्तन के शेप को ही ग्रहण कर लेता है व्हेन इट इज प्लेस्ड, जब इसे रखा जाता है। आप लोग को 9th, 10th, 8th में भी पढ़ाया गया होगा, जिस टीचर के साथ आप पढ़े होइएगा वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा कि द्रव एक वैसा पदार्थ है जिसका आकृति तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, वही द्रव कहलाता है। तो वही है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ का वह भौतिक अवस्था व्हिच हैव नो डेफिनेट शेप, जो कोई भी निश्चित आकृति नहीं रखता है, बट लेकिन हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन आयतन को निश्चित रखता है, इज कॉल्ड कहलाता है लिक्विड, व्हेन इट इट इज कंटेन द, या फिर इट ऑक्यूपाइड द शेप ऑफ कंटेनर, या बर्तन की आकृति को ग्रहण करता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड, जब इसे रखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यह क्या है, सिलेंडर का ला है कि ना है, यह क्या है, सिलेंडर है, और देखिए यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, यह गोला है, और यह क्या है, सिलेंडर है, यानी कि बेलन की आकृति का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यह बेलनाकार दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या होता है, यह गोलाकार दिखाई देगा, यानी कि शेप तो अलग अलग चेंज कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ 2 ml है तो यहाँ भी 2 ml ही होगा, ना कि ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 ml वॉल्यूम यानी कि सेम है। अगर आपको फिर हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यह क्या है, तो इनका डब्बा है, फिर अलग भी मेरे पास है इनका डब्बा, देखिए यह भी है, दोनों का क्या होता है, शेप अलग है, यह चपला है थोड़ा, देखिए यहाँ पे, और यह क्या है, थोड़ा लंबा है, दोनों के पास क्या है, शेप अलग अलग है कि ना, शेप अलग अलग है, तो इसी दोनों का अलग अलग प्रकार का शेप होगा दोनों के, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, दोनों में सेम होगा, 15 ml इसमें भी है और इसमें भी 15 ml, यानी कि शेप वॉल्यूम तो दोनों में सेम होगा, लेकिन क्या होगा, आकृति दोनों का अलग, इसमें क्या होगा, तो थोड़ा चकला होगा, जिस प्रकार यह क्या है उसी शेप में होगा, और इसमें क्या होगा, थोड़ा सिलिंड्रिकल है, तो यह भी सिलिंड्रिकल रूप में होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या दोनों में सेम होगा, लेकिन आकृति अलग अलग होगा, तो यह क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। अब लिखिए, लिक्विड इज द कोहेसिव फोर्स, इट इज इन लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज वर्क, इन लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज वर्क, यानी कि लिक्विड में कोहेसिव फोर्स क्या करता है, कार्य करता है, कोहेसिव, आगे हम चर्चा करेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या है, ठीक है, तो इन लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज वर्क, तो यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या नोट है, कोई पूछेगा लिक्विड में कौन सा वर्क, तो कोहेसिव फोर्स कार्य करता है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे कि व्हाट इज गैस, गैस है क्या, या फिर इसका प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, पहला लिखिए, इट हैव नो डेफिनेट शेप, बट लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन आयतन निश्चित होता है। दूसरा लिखिए, इन लिक्विड में कोहेसिव फोर्स इज वर्क, ठीक है। तीसरा लिखिए, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के सुचालक होता है। क्या लिक्विड विद्युत के सुचालक होगा कि ना होगा,
चौथा लिखिए, इट इज फ्लोटेबल। फ्लोटेबल मीन्स प्रवाह का गुण रखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास इंक है, यह भी लिक्विड के ही रूप में है। अगर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं, तो यह देखिए यह क्या हुआ, फ्लो कर रहा है कि ना कर रहा, तो यह फ्लोटेबल टेंडेंसी रखता है, प्रवाहन की क्या रखता है, आदत रखता है। तो इट नो डेफिनेट से बट डेफिनेट वॉल्यूम इन लिक्विड कोहेसिव फोर्स इज वर्क। अगर कोहेसिव फोर्स तो इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे गुरुत्वाकर्षण बल आसानी से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब इन लिक्विड में एक सरफेस टेंशन भी कार्य करता है, जैसे कि हमारे पास यह क्या है, ड्रॉप्स है, एक प्रकार का है कि ना ड्रॉप्स है। तो द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन, यानी कि इसका जो वाटर होता है स्फेरिकल, जहाँ पे जब भी हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, स्फेरिकल आ जाएगा। स्फेरिकल क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा। इस प्रकार की तरह क्या करता है, बूंद आती है, जब इसको क्या कीजिएगा, दबाइएगा, तो इस तरह की क्या आती है, बूंद आती है, गोला बूंद आती है। तो सरफेस टेंशन के कारण, तो कहिएगा सर सरफेस टेंशन क्या है, तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव। और वेपर प्रेशर भी आगे पढ़ाएंगे, यानी सरफेस टेंशन तो यहाँ ही पढ़ा देंगे कि सरफेस टेंशन है क्या। यहाँ तक तो यह तो नीचे वाला तो लिख लिया होइएगा, अब लिखिए इसी में लिखिए या फिर अगला क्वेश्चन से लिखिए कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, ठीक है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव है क्या, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव, क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, व्हेन जब फोर्स इज अप्लायड अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लिक्विड वेपर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए एस बराबर सरफेस टेंशन को एस से सूचित किया जाता है, टेंशन है तो फोर्स भी लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन है व्हेन फोर्स यानी कि एफ बटा लेंथ, यानी कि फोर्स बटा लेंथ, सरफेस टेंशन बराबर टेंशन बराबर फोर्स बटा लेंथ, यह सूत्र लिख लीजिएगा। यानी कि फोर्स किस पर अप्लाइड किए, लेंथ पर, लेंथ यानी कि लिक्विड के लेंथ, लिक्विड के बीच होता है थोड़ा कम डिस्टेंस होता है, यानी कि सॉलिड में तो क्या होता है डिस्टेंस नेग्लिजिबल, इसमें पढ़ाए थे कि इट है वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतरानविक जो दूरियां होते हैं काफ़ी कम होती है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में होता है अंतरानविक दूरियां ज़्यादा होता है। तो इसके प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर हाई देन द सॉलिड, ठीक है। छठा लिख लीजिएगा, पांचवा लिखिए, इन सोल इन लिक्विड, इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लॉन्ग, क्या होता है, लंबा होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लॉन्ग, सॉलिड की तुलना में ज़्यादा। अब कहिए सर सरफेस टेंशन सबसे पहले हमको पढ़ाइए कि द फोर्स इज, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड के पर यूनिट लेंथ पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, तो उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। यहाँ तक सबसे पहले क्या
लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर सरफेस टेंशन के बारे में फिर गहराई से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी लीजिए, इट हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसके पास निश्चित आकृति नहीं होती है लेकिन क्या होती है, निश्चित वॉल्यूम जरूर होती है। इट इज द कोहेसिव फोर्स, या किसमें कोहेसिव फोर्स वर्क करता है। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के सुचालक होता है। इट इज फ्लोटेबल, या प्रवाहन की क्षमता रखता है। इन लिक्विड इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस आर लॉन्ग, यानी कि सोलिड के तुलना में इसमें इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, लंबा होता है। देखिए यहाँ पे कि लिक्विड का क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और लिक्विड में बहुत ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सरफेस टेंशन, व्हेन जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ तो पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के प्रति इकाई लंबाई पर लगाए गए बल को ही सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव। यहाँ पे क्या है, लिक्विड हमारे पास वेसल्स है, अब इस पर फोर्स अप्लाइड किया, यानी कि इसमें लिक्विड है तो उस पर हमने बल अप्लाइड किया, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर, उसके पर यूनिट इकाई लेंथ पर हमने जो भी लिक्विड फोर्स अप्लाइड किया, इसको दबाते हैं तब तो क्या करता है, नीचे ड्रॉप करता है, गिरता है, बिना दबाए तो नहीं गिर सकता। तो भैया तो जब बिना विदाउट बल का कोई भी कार्य नहीं होगा, विदाउट फोर्स द नॉट एनी फोर्स आर नॉट एनी वर्क इज कंप्लीट, बिना बल के कोई भी क्या हुआ कार्य कंप्लीट हो ही नहीं सकता नेचर प्राकृतिक में। तो वही है, व्हेन जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड, लिक्विड के प्रति इकाई लंबाई पर लगाए गए बल को ही सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस तनाव। तो सरफेस टेंशन बराबर फोर्स बटा लेंथ। यहां तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन के बारे में एकदम थोड़ा डिटेल से, हम जो भी पढ़ाते हैं वह डिटेल से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जरूर मेरा जो कंसेप्ट होता है अन्य टीचर की तुलना में अलग होता है, अन्य टीचर की तुलना में क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए कि सरफेस टेंशन है क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप इसी प्रकार का है, ठीक। इसमें क्या हुआ, भरा हुआ है, ड्रम्स भरा हुआ है। अब क्या किए, दोनों ओर से हम क्या कर, इसको दबाए, दोनों ओर से क्या कर दिए, इसको दबाए। अब दोनों ओर से इसको क्या कर दिए, दबा दिए। अब दोनों ओर से जब ये फोर्स लगा, इधर से भी इधर से भी, तो क्या हुआ, एक लेंथ है कि नहीं इसके पास, यही लंबाई है इसके पास, यही क्या लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं लेंथ। तो इस या फोर्स को आरोपित किए इसके लंबाई पर, तो प्रति इकाई लंबाई पर लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। तो यह सरफेस टेंशन, तो यह गोला इस प्रकार गिरता है, यानी कि द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, यानी कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, यानी कि बूंद जो होता है, किसी भी ड्रॉप का जो बूंद होता है, द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद क्या होता है, गोला होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। तो आप कहिए सर, आप तो सही बताए कि द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले नोट एगो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिए, द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वाटर की जो बूंद होती है वह गोला दिखती है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर आप ठीक बताए कि चलिए हमने ड्रॉप मान लिया और इसका जो बूंद है वह गोला गिर, आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आप कीजिएगा, आपके पास जो भी हो उसको रख लीजिएगा एक डब्बा में और उसको क्या कीजिए, दबाइए, वह गोला ही गिरेगा, ठीक है, वह स्फीयर एज लाइक एज द स्फीयर, क्योंकि सरफेस टेंशन, तो वही है द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या भी हमारे पास। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले या क्या कर लीजिए, फिर से बाद में लिखा देंगे सरफेस टेंशन, सबसे पहले इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का सबसे पहले सरफेस टेंशन
फोर्स बट्टा लेंथ, यही ना प्रति इकाई लेंथ पर। तो फोर्स के न्यूटन आपको जहाँ पढ़ाई पढ़े होंगे क्या फिजिक्स क्या होंगे वहाँ पढ़ा दिया होगा न्यूटन। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है इलेवेंथ के फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई एंड उसके मापन, डायमेंशन एंड यूनिट, वह सब क्या होंगे प्रथम चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हो जाए, सेकेंड चैप्टर में सॉरी लेंथ है। तो न्यूटन और लेंथ का जो यूनिट होता है वह मीटर होता है, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए न्यूटन, NEWTO न्यूटन बट मीटर, ठीक है। तो इसका आ जाता है न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट कोई पूछेगा कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, तो लिखेंगे न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ लिख लीजिए यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर होता है। अगला है कि डायमेंशन क्या है, ठीक है, डायमेंशन तो आपको न्यूटन का यानी कि बल के डायमेंशन पढ़ा दिए होंगे, इलेवेंथ में भी पढ़ लिएगा नाइन्थ में, कि MLT-2, ठीक है, अब बटा L, L से L तो कट गया, यानी कि MT-2, MT- डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आ गया MT-2। यही क्या होती है मेरी विशेषता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वह डिटेल से पढ़ाता हूँ, ताकि विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन ना हो। और यह काफ़ी VVI ऑब्जेक्ट है कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो न्यूटन पर मीटर, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन बीमा क्या है, तो MT-2, एम को केजी, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, इसका दो गो यूनिट निकल सकता है, एम को केजी मान लेंगे, टी को सेकेंड है, टाइम सेकेंड है, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर, MLT-1 फोर्स का है, MLT-1 होता है शायद, ML इसको छोड़ ही दीजिए डायमेंशन के लिए। फिर सबसे पहले यूनिट एम एन न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, इसका क्या लेंगे हम निकाल लेंगे डायमेंशन, डायमेंशन क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन सॉरी यूनिट निकाल लेंगे इसका न्यूटन पर मीटर, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन का यूनिट निकाल लेंगे न्यूटन पर मीटर। यह तो इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला नोट लिखिए कि द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, The small drop of water is spherical due to surface tension। यानी कि जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की जो बूंद होती है वह गोला दिखती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाई द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ही पढ़ा देते हैं। अभी तो नोट लिख लिया होइएगा और यह समझ भी गए होइएगा कि आप दूसरा क्वेश्चन, अब जो आप क्वेश्चन समझ नहीं सकते, आप पूछ नहीं सकते, वह क्वेश्चन हम ही उठा सकते हैं कि पूछिएगा कि सर जी वर्षा होती है, ठीक है, तो उसकी भी बूंद क्या होती है, गोला ही दिखती है, व्हाई, क्यों, उस वहाँ पे कौन सा सर फोर्स कार्य करता है, दाब, तो वहाँ क्या था एटमोस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कार्य करता है, और वही वायुमंडलीय दाब के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स वर्षा की जो बूंद होती है आर द स्मॉल और द स्फीयर एज लाइक एज स्फीयर गोला होती है, ठीक है, यहाँ तक तो यह स्क्रीन शॉट कर लिया है, ठीक, लिखिए व्हाई द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, क्वेश्चन लिखिए व्हाई ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। पानी के जो बूंद होती है वह स्फीयर क्या होता है, गोला क्या होता है, स्फेरिकल, लिखिए द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण
क्या होती है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वर्षा की जो नन्ही बूंद होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे कि गैस क्या है और गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पढ़ाएंगे कि व्हाट इज गैस, गैस क्या है, ठीक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ली हुईगा। अब पढ़िए कि व्हाट इज गैस, गैस किसे कहते हैं। फिजिकल स्टेट कंप्लीट, आज केमिकल स्टेट में एक पढ़ा भी देंगे कि एलिमेंट क्या है, ठीक है। अब पढ़िए कि व्हाट इज गैस, गैस क्या है, व्हाट इज गैस, गैस क्या है, ठीक है। लिखिए द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच, जिसमें या फिर विच हैव जो रखता है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप बट लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज कॉल्ड, कहलाता है गैस। नो डेफिनेट शेप एंड और नो डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है। इट ऑक्यूपाइड, यह ग्रहण करता है, या इट एक्सपेंड इंटायर वॉल्यूम ऑफ वेसल, यह क्या होता है, बर्तन के पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंड मींस फैल जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, यही क्या है, सिलेंडर है। तो यह क्या 15 केजी वाला आपके पास क्या है, सिलेंडर है। तो उसमें भी जाता है, कम गैस हो या फिर ज़्यादा हो, गैस पूरे में क्या रहते हैं, भरे रहते हैं, ठीक है, गैस पूरे में। लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला जाती है, जाती है थोड़ी सी मात्रा में लिक्विड मिला दी जाती है। आप देखते हुए कि जारे के समय में थोड़ा थोड़ा सिलेंडर में गैस जम जाता है, तो वह क्या हो जाता है, सबलिमेशन हो जाता है। गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए सोलिड है, सोलिड को बहुत क्या कर दिए, थोड़ा टेम्परेचर दे दिए वह लिक्विड में, और टेम्परेचर दे दिए गैस में, यानी कि सोलिड जब ही गैस में कन्वर्ट होगा तो वह सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन, और गैस जब सोलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वह फिर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन। और एक आ जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो यानी कि द फेनोमेनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड स्टेट बाई अप्लाइंग द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि जब गैस के ऊपर अत्यधिक दाब और कम तापमान दिया जाता है तो वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो अत्यधिक जारे के समय में तो तापमान कम होती है लेकिन वायुमंडलीय दाब ज्यादा होती है, उसी के कारण यह गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। तो वह भी एक पढ़ाएंगे क्वेश्चन कि व्हाई गैस कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट, कोई भी टेंशन मत रखिए, क्या होती है पूरी यहाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ाई जाती है, विदाउट कंसेप्ट मेरी कोई एम ही नहीं है पढ़ाने किसी भी बच्चे को, चाहे ऑनर्स लेवल को मैं पढ़ाता हूँ, चाहे ट्वेल्थ पढ़ाता हूँ, इलेवेंथ पढ़ाता हूँ, या फिर जिस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मैं पढ़ाया करता था वहाँ भी पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी 100% पढ़ाते थे, क्योंकि वहाँ हमें कम समय मिली, जरूर बच्चे कुछ लोग जानते होंगे तो जरूर जानते होंगे कि मुझे बहुत कम समय मिली उस इंस्टीट्यूट में। उसके बाद लॉकडाउन का पीरियड आ गया, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट अभी तत्काल क्या वह चल रही है, वह भी ऑनलाइन क्लास चला रही है। अच्छी बात है कि मेरे इंस्टीट्यूट क्या हो रही है, धीरे धीरे भी डेवलप कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूट के अच्छे भी लोग होते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने हमें भी सहायता किया और अपने आप में भी क्या क्या स्टेबल बनाया। तो सबसे पहले वहाँ पर पर्टिकुलरली बात मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए
गैस को लिक्विड में, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ का वह भौतिक अवस्था व्हिच हैव जो रखता है नो डेफिनेट शेप, कोई भी निश्चित आकृति नहीं, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट तो डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। इट इज एक्सपेंड इंटायर वॉल्यूम ऑफ वेसल, यह पूरे बर्तन के पूरे आयतन में फैल जाता है, ठीक है, बर्तन के पूरे आयतन में क्या किया, फैल गया। अब कुछ अब अभी हम पढ़ाए कि कुछ गैस को आप देखते ही अगर जाड़े के महीना में, सर्दी के महीना में, विंटर के समय में वह लिक्विड में कम, तो वह लिक्विफिकेशन ऑफ गैस अभी पढ़ा रहे कि वाई गैस कन्वर्ट इन लिक्विड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। न तो डेफिनेट शेप और न तो डेफिनेट वॉल्यूम रहता, जिस बर्तन में आप रखिएगा उसके पूरे आयतन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और उसी आकृति के भी बन जाएगा। सिलेंडर है तो ये देखिए सिलेंडर में रख दिए तो इसके पूरे सिलेंडर को क्या कर दिया, अपने आप में एक सिलेंडर बना, उसके पूरे वॉल्यूम में फैल गया। और यही गैस के नेचर के कारण, यही गैस के नेचर के कारण काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस खोजना पड़ा, वह भी आपको हम पढ़ाएंगे 6 चैप्टर में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर 7 में आ जाता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम में नहीं 6 में का थर्मोडायनामिक में आ जाएंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है, गैस के गतिजीय अवस्था क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वहाँ बोल्ट्जमान साइंटिस्ट आया था, क्लाउसियस आया था और मैक्सवेल आया था। तो बोल्ट्जमान, क्लाउसियस एंड द मैक्सवेल एक्सप्लेन ए थ्योरी फॉर द बिहेवियर ऑफ गैस, गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के लिए, व्यवहार के लिए इट प्रोपोज्ड ए कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आ गया, यानी कि धीरे धीरे हम पूरा पढ़ा देंगे, पूरा 100% आपको पूरा समझा देंगे गैस के इसी नेचर के कारण कि गैस पूरा वॉल्यूम, यानी कि नहीं तो यह आकृति निश्चित रखता है, नहीं तो आयतन निश्चित रखता है, इसी के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जमान, क्लाउसियस और मैक्सवेल को खोजना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ उतना ज़्यादा अभी लंबा ना जाएंगे ताकि समझ में जो आए उतना ही काम करनी चाहिए। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ का वह भौतिक अवस्था व्हिच हैव जो रखता है नो डेफिनेट शेप, ना तो निश्चित आकृति रखता है, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो निश्चित आयतन रखता है। इट एक्सपेंड इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। अब आप कहिएगा कि सर पूरे वॉल्यूम में फैल गया, ठीक है, ये पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में यह फैल जाता है, कम ही हो लेकिन पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। और दूसरा होता है कि गैस मॉलिक्यूल मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, या किसी भी दिशाओं में घूम सकता है। इसके सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल में क्या होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में H2 हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा ETC, यहाँ तो लिख लीजिए। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस के गुण के बारे में पहला लिखिए गैस हैव, या फिर गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, एज गैस मॉलिक्यूल, पहला प्रॉपर्टी देखिए, गैस इज कंसिस्ट ऑफ, यह बनी हुई है लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, बहुत से सूक्ष्म कणों के मिलने से यह बनी हुई है, इसीलिए इसे अणु कहते हैं। अणु के बारे में कंसेप्ट आपको हम पढ़ा दिए थे मैटर में ही, कनाद का कॉन्सेप्ट, कनाद ने कहा कि अणु का निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ है, वही क्या कहलाता है, अणु कहलाता। तो वही है कि गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, गैस का जो निर्माण हुआ है बहुत से छोटे कणों से हुआ है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल, उसे ही क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या प्रॉपर्टी कि गैस मॉलिक्यूल हैव, गैसीय अणु हैव नो डेफिनेट शेप,
no definite shape and or no definite volume and no definite volume. नो डेफिनेट वॉल्यूम, नहीं तो ये आकृति निश्चित रखता है, नहीं तो आयतन निश्चित रखता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो ये आकृति को निश्चित रखता है ना तो आयतन को निश्चित रखता है। सबसे पहले दो गो प्रॉपर्टीज को और गैस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम फिर पढ़ाएंगे, लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज है, वह सब पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ गैस था, सॉरी बेकार मिटा दिए, लेकिन मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। तीसरा लिखिए कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ठीक है। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, अब यहाँ पे क्या है, यह एक गैस मॉलिक्यूल है और यह इस दीवार से क्या करती है, टकराती है, तो यह किसी भी दिशाओं में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ना तो इसकी कोई क्या निश्चित है कि यह किस दिशा में जाएगी, यानी कि यह एक प्रकार का हवा है। आप लोग पढ़े हुए हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो मेरी बातें अनोखी हवा, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, यानी कि वही है, एक प्रकार का एयर ही तो है, गैस एज लाइक एज द एयर, गैस एक प्रकार का हवा ही तो है और यह बसंती हवा है, जिधर मन चाहेगी उधर को क्या करेगी, घूम जाएगी, यानी कि वही कह रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, उसी के प्रॉपर्टीज पर आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, या जब भी बर्तनों के दीवारों से टकराती है एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो यह किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, घूम सकती है आसानी से, क्योंकि यह क्या बसंती हवा है, किसी भी दिशा में घूम सकती है। तो यहां तक पूरा समझ गया होइएगा कि गैस मॉलिक्यूल आर मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, या किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, घूम सकती है। तीसरा प्रॉपर्टी पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा पढ़िए कि गैस मॉलिक्यूल के बारे में कि चौथा कंसेप्ट क्या है। चौथा पढ़िए कि गैस मॉलिक्यूल आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी अफेक्ट नहीं करता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यह क्या एडहेसिव, लिक्विड क्या है कोहेसिव फोर्स, गैस क्या है एडहेसिव फोर्स, लेकिन लिक्विड को क्या करता है, लिक्विड कोहेसिव फोर्स, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन गैस को नहीं। गैस आप ले लीजिए, गैस कोई भी कंटेनर बैलून ही ले लीजिए, उसको फोड़िए, क्या उसमें का जितना भी गैस वह पृथ्वी के की ओर आता है, नीचे नहीं, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा क्या होता है, अगर हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे बैलून, तो ऊपर का लग भागता है, नीचे का लग नहीं भागता, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स के कारण ही गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कि गैस मॉलिक्यूल को गुरुत्वाकर्षण बल अफेक्ट नहीं करता है, कोई भी क्या करता है, प्रभाव नहीं करता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। तो आज पूरा आप समझ गई होइएगा कि गैस मॉलिक्यूल को क्यों नहीं गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित कर रहा है,
अगर क्या होगा, अब मेला का भी समय है क्योंकि क्या आज जन्माष्टमी भी है, तो आप गए होंगे क्या होंगे मेला, तो वहाँ बैलून जरूर खरीदे होंगे और वहाँ बैलून को उड़ाए भी होंगे। तो देखते हो यार कि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा, कुछ समय बाद आ रहा है नीचे, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, यही एडहेसिव फोर्स के कारण गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, अफेक्ट नहीं करती है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स के कारण। यहाँ तो पूरा समझ गए हुए, यही क्या है चार प्रॉपर्टी है, यही क्या है चार प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। तो पूरा समझ में, पहला गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, यह बहुत से सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल, इसी को अणु कहते हैं। गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, न तो इसका आयतन निश्चित है न तो आकार निश्चित है। तो पूरा समझ गए, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर एंड मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यह दीवार से टकरा कर किसी भी दिशा में घूम सकती है, ठीक है, क्योंकि क्या है एक बसंती हवा है, यानी कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, जिधर इसका मन चाहा उधर दिल भी डुल गया। चलो आज पूर्व की तरफ घूमना है तो पूर्व की तरफ घूमेंगे, पश्चिम की तरफ घूमना है तो पश्चिम के, यानी कि कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ क्या है किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। और उसके बाद है कि गैस मॉलिक्यूल नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको गुरुत्वाकर्षण बल नहीं अफेक्ट करती है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यह क्या है एक एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ तक आपको क्या आ गया होगा, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ गया होगा कि आप पूरे सेटिस्फाइड हो गए होंगे। यहाँ तक सबसे पहले चार प्रॉपर्टीज इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आय के नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आय का नोटिफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब कर ली होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आईए का जो हमारे पास है कॉन्सेप्ट वह प्रॉपर्टी क्या, द टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, तो यह केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को फिर तीन भागों में, एलिमेंट मेटल, एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड, तत्व यौगिक और मिश्रण में बांटा गया। फिर वहां पर आएंगे एलिमेंट के तीन प्रकार, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइज। अब मेटल और नॉन मेटल के बारे में अब टेंथ में पढ़ ली होगा कि तीसरा चैप्टर है टेंथ में, एनसीईआरटी बुक आप उल्टा कर देख लीजिए टेंथ का, मैं केवल एनसीईआरटी की चर्चा करूंगा, कोई भी अदर पब्लिकेशन मैं उसको मानता ही नहीं, क्योंकि वह क्या पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, लेकिन यह क्या वह प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा राइट किया गया, लेकिन एनसीईआरटी बुक में हजारों विद्वानों ने लिखा, बहुत से क्या कर बड़े बड़े केमिस्ट आए, बड़े बड़े फिजिक्स आए, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट आए, उसको इन्होंने लिखा, उन्होंने इन बुक को लिखा, मैं पर्टिकुलर बुक पर नहीं चलूंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप टेंथ के तीसरा चैप्टर उलट कर देख लीजिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, फिर उसमें पढ़ाएंगे कि व्हाट इज मेटल, मेटल है क्या, फिर लेक्चर आगे में पढ़ाएंगे कि मेटल क्या है, फिर मेटल के पास चार गो गुण, चार गो भाग में बांटेंगे मेटल को, अल्कली मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। अगर आप अल्कली, अल्केलाइन, मेटल और ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन छोड़ देते हैं तो आपको आज तक इतिहास में कोई नहीं है जो आपको पीरियोडिक टेबल सिखा सके, क्योंकि बहुत से मैं टीचर को देखता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में केवल सारे गामा पादा निशा न्यूलैंड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा, वह डोबनेनर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा, वह ट्राइड रूल नहीं पढ़ाएगा, उसको पता ही नहीं कि ट्राइड रूल है क्या, ट्राइड रूल क्या है उसके बारे में तो भाई जानो डोबनेनर का कॉन्सेप्ट था, ट्राइड रूल, न्यूलैंड कॉन्सेप्ट, सीधा वह मारेगा सीधा मेंडेलीव कॉन्सेप्ट, आधुनिक कंसेप्ट मुसलेगा, खत्म मेरा लेक्चर सबसे बढ़िया। लेकिन मैं कभी भी क्या करता हूँ, घमंड नहीं करता हूँ, चाहे मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूँ, हमको कुछ लड़के जानते भी हैं और पार्टिकुलर रूप से फोन भी करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूँ कि हमारी जो होती है कॉन्सेप्ट वो सबसे अलग है, मैं सबसे अलग सोचता हूँ, सबसे अलग करता हूँ, सबसे अलग मेरी क्या है रहन है, रीति है, रिवाज है, मैं सबसे अलग पढ़ाता भी हूँ, इसीलिए मैं अपनी क्या करती खुद से क्या करती हूँ अपना जो बड़ाई मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं
यह कहता हूँ जरूर कि मैं 100% पूरी पढ़ाता हूँ, पूरी सेटिस्फाइड कर बच्चों को, मैं क्या करता हूँ संतुष्ट कर देता हूँ, सेटिस्फाई कर, चाहे हमसे कुछ टीचर भी पढ़ते होंगे, कुछ क्या होंगे, कुछ बच्चे भी जो हमारे साथी हो वह भी हमसे पढ़ते हैं, तो क्या होता है सब सबने क्या किया भेजा कि आप अच्छे पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छे टीचर भी है जो क्या है कुछ अच्छे टीचर जो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी कमेंट कर भेजा कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छे रिस्पांस तो मिले बच्चों का, कुछ अच्छे टीचर ने भी रिस्पांस दिए कि अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है यहाँ तक आपको क्या होगा पूरी समझ में। फिर उसमें पढ़ाएंगे मेटल के बारे में चार भाग, फिर नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल कितने हैं, मेटल वाइड क्या है, फिर मिक्सचर के दो भाग होमोजेनस हेट्रोजेनस, फिर उसके बाद कंपाउंड के बारे में, फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे अगले भाग पढ़ा देंगे फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम, यानी कि धीरे धीरे एक लेवल से चलेगी। तो यहाँ तक आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो में कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई हो तो उसको क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम पूरी की पूरी उसको सुधार देंगे। और आपको यह लेक्चर पूरी तरह कॉन्फिडेंस से समझ गए होंगे तो आप सबसे पहले इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों के बीच क्या होगा व्यक्ति के बीच यूट्यूब क्या करेगा प्रमोट करेगा, वीडियो को भेजेगा, और भेजने के बाद क्या होगा धीरे धीरे मेरे चैनल क्या होगी डेवलपमेंट होगी। और यह हर एक सिलेबस जैसे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी रेलवे है एसएससी है जो भी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में बच्चे हैं उनको बोल दीजिएगा कि रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा कि राजवती अकेडमी काउंटिंग ऑफ फिगर, केवल यूट्यूब पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होगा मैंने अच्छे टीचर को लाया है, मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं अच्छे टीचर का सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि गाइडेंस में स्वयं मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो अच्छे टीचर को चुनना। आज के क्लास में इतना ही दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब करवाइएगा, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए उतना ही ज़्यादा क्या हुआ चैनल डेवलप होगा। आपके लिए क्या मोटिवेशनल कोट्स है कि आप सिकंदर हो, सिकंदर हालात के पीछे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, ठीक है किसी दरिया में नहीं गिर सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।